फिल्म इंडस्ट्रीज में कॉमेडी मूवी आपने कहीं देखी होगी, लेकिन एक कॉमेडी मूवी ऐसी है जो लोगों को सालों साल याद रहेगी। जब भी टीवी पर किसी भी चैनल पर वो दिखाई देती है तो लोग एक तरह से बन जाते हैं। वो है गोलमाल। गोलमाल की सीरीज थी, गोलमाल आई, गोलमाल रिटर्न भी आई, उसके बाद गोलमाल के अन्य पार्ट भी बने। लेकिन उदयपुर से ही एक गोलमाल मूवी का बहुत बड़ा जुड़ाव है। जुड़ाव ये है कि आपने गोलमाल मूवी में एक बाइक देखी होगी जिस पर अभिनेता बैठकर और निकलते हैं, जिसमें चार सीटिंग दी हुई है और इसके बाद में उसको चलाते हुए दिखाई देते हैं। और गोलमाल जो सॉन्ग है उस सॉन्ग में भी वो बाइक दिखाई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि गोलमाल रिटर्न में भी उसी प्रकार के ट्रेलर में एक बाइक दिखी है। वो बाइक कहीं और की नहीं, उदयपुर के पुलिस डिपार्टमेंट में तैनात हेड कॉन्स्टेबल उपेंद्र सिंह की, यही वो बाइक है। आप देख सकते हैं पीछे, यही वो बाइक है जिस बाइक को गोलमाल रिटर्न के ट्रेलर में दिखाया गया है। इसी पर अजय देवगन सहित अन्य स्टारर बैठे हैं और इसको चलाई गई है। उनसे बात करेंगे कि ये बाइक बनाई कैसे है और गोलमाल रिटर्न में किस तरह से दिखाई और क्या है। उपेंद्र जी, कैसे बनाई पहले तो ये बताइए बाइक। मेरा बाइक बनाने का दिया, पहले मैंने साइकिल भी बनाई थी, मैंने तीन पहियों की। उसके बाद मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार जब पैसे हो जाएंगे अपने पास थोड़े बहुत तो फिर बाइक बनाएंगे। तो फिर मैं बुलेट लेके आया, बुलेट पे फिर मैंने उसी हिसाब से साइकिल जैसे बनाई थी उसी हिसाब से मैंने बुलेट को भी बनाया। तीन पहिए लगाए इसके और चेन गियर वगैरह उसी हिसाब से मैंने इसके क्रिएट किए। मैं जैसे जैसे मिस्त्री को बताता गया, मैंने कहा मुझे ऐसे वेल्डिंग करके दे, ऐसे वेल्डिंग करके दे, तो वो वेल्डिंग करता गया और इस बाइक को तैयार की। गोलमाल मूवी में सर ऐसा है कि राजस्थान टूरिज्म का जो ऐड किया था मैंने, जिसपे राजस्थान को प्रमोट किया था मैंने, और उसके बाद वो ऐड जब उन्होंने देखा तो मेरे मुंबई में काफ़ी, मुंबई और अलग स्टेट में काफ़ी सारे स्टेट्स में मेरे पोस्टर्स वगैरह लगे, तो उन्होंने फिर मेरी मुझे से कॉन्टेक्ट किया। तो फिर मेरी बाइक को उन्होंने मंगवाया, तो फिर उन्होंने मेरी बाइक को वहाँ मंगा करके ऊटी में इसका शूट किया गया। अच्छा, शूट किया मूवी में दिखाई है बाइक या फिर सिर्फ? मूवी के ट्रेलर में दिखाई इसको, मूवी में इन्होंने नहीं दिखाई, क्या मालूम क्या कारण रहा उनका, ये पता नहीं। अच्छा, एक और कोई सी मूवी है जो आप चर्चा कर रहे थे कि उस मूवी में भी, कौन सी मूवी? ये महेश बाबू की ब्रह्मोत्सव मूवी है साउथ की, उसमें भी ब्रह्मोत्सव में महेश बाबू, समंता हीरोइन और एक कॉमेडियन और है उनके साथ, ये उनके मदर फादर को ढूंढने निकलते हैं हरिद्वार, तो इस बाइक को दिखाया गया है। अच्छा, क्या खासियत है, चलाते कैसे इसको बाइक, क्योंकि काफ़ी भारी है, तीन पहिए इसमें लगे हुए हैं, जगह जगह से वेल्डिंग है, क्योंकि बुलेट चलाना ही अपने आप में आसान बात नहीं है, ये तो और भारी हो चुकी है, तो कैसे चलाते, इसका बैलेंस कैसे बनता है? इसका बैलेंस तो देखो, एक तो सबसे पहले तो हाथों में है, हाथ अगर आपके मजबूत हैं तो इसका बैलेंस बन जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अमूमन क्या, टू व्हीलर जो गाड़ी होती है उसमें जैसे अपन चलाते हैं तो थोड़ा बहुत डाइवर्जन इधर उधर मुड़ती है, पर ये मुड़ेगी नहीं, थोड़ा आगे जा करके फिर आप कंफर्टेबल चला सकते हैं, ज़्यादा इतना हार्ड भी नहीं है। अजय देवगन जी ने भी चलाई है, महेश बाबू ने भी चलाई है, तो इतना कोई हार्ड नहीं, उन्होंने भी आराम से चला ली थी। अच्छा, कितने इंजन, सीसी इंजन लगा हुआ है इसमें और इसको बनाने में कितना टाइम लगा, क्या कॉस्ट लगी थी? सर इसको बनाने में तो लगा सर मुझे महीना डेढ़ महीना लगा था, और इसका 350 का इंजन है, कॉस्टली मेरे 75,000 के लमसम खर्चा आया इसका, तो मेरा काम हो गया था अच्छे से। अच्छा, कोई बताते हैं आपके पास यमदूत वाली बाइक भी थी एक? मेरे पास एक यमराज करके बाइक थी, यमराज देती है, जिसपे मैंने वो ESD पे बनाई थी, उसके आगे सिंग विंग, पीछे पूंछ वगैरह और टंकी पे भी मैंने यमराज देती है लिख रखा था, ताकि ऊपर वाले का काम तो फर्स्ट है वो करता रहता है, सेकंड काम अपन सब पब्लिक को समझा सकते हैं हेलमेट लगावे, ताकि यहाँ नीचे कोई घटना कारित नहीं हो इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं ये कि सीटिंग इसकी चार, क्या कितने जने बैठ सकते हैं इसमें? सात सीटर है इसमें, सात लोग बैठ सकते हैं आराम से, जैसे अजय देवगन है, तुषार कपूर है और परिणीति चोपड़ा है, एक दो हीरो और है, वो सब साथ ही इस पे बैठे हुए हैं, तो सात सीटर है ये पूरी। यस, सात सीटर। ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती इसको चलाने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब बस चलाने पे डिपेंड है, आप आपके हाथ में कितना पावर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो देख सकते हैं आप ये कि किस तरह से जॉइंट किए हुए तीन टायर है इसमें, साइलेंसर भी पूरा लंबा है, साइलेंसर भी यूनिक है इसका। तो अब सात सीटर बाइक है ये, और इन्होंने अपनी कितना टाइम हो गया इसको, कब बनाई थी? ये सर मैंने सन 2010 में बनाई है,
2010 से फिर मैं रेगुलर इसको अलग अलग इवेंट्स में वगैरह शादी समारोह में भी इसको फोटो के लिए ले जाते हैं लोग और मंगवाते हैं तो लेके जाता हूँ मैं। इसके साइलेंसर और ये सब पार्ट्स बनवाए या फिर लेके आए, क्योंकि साइलेंसर तो काफ़ी लंबा लगा हुआ है। सर अलग अलग से मैंने बनवाए भी हैं और मंगाए भी हैं, ये है। इस पे अभी भी लिखा हुआ है देखिए गोलमाल रिटर्न। अभी जो कलर इसका राजस्थान टूरिज्म के टाइम पे कौन सा कलर था? राजस्थान टूरिज्म के समय इसका सर येलो कलर था और उसमें गतिगामिनी इसका नाम रहा था और उसके बाद गोलमाल रिटर्न में जब गई तो गोलमाल रिटर्न नाम कर दिया। और इससे पहले सर ये वाइट कलर में थी, सफ़ेद कलर में, उस समय इसका नाम गोस्ट राइडर था। उस समय इसके ऊपर छतरी भी थी और बिल्कुल एंटिक थी पूरी, इसकी टंकी वगैरह हेडलाइट्स वगैरह सारी चेंजिंग थी बिल्कुल ही। इसको चलाते कब आप? रेगुलर चला रहे निकलते हैं या फिर क्या? मैं इसको सर रेगुलर तो नहीं चलाता, कभी कभी ओकेजन पे निकालता हूँ। 15 अगस्त 26 जनवरी हो गया, रथ यात्रा हो गई, परशुराम जयंती हो गई, काफ़ी ओकेजन पर मैं बाहर निकालता हूँ ताकि लोगों में भी एक क्रेज रहे। गोलमाल रिटर्न अभी भी लिखा हुआ है इस पर और 350 cc की बाइक है। गोलमाल मूवी में इसको चलाया गया है, ट्रेलर में आया है। महेश बाबू की ब्रह्मोत्सव मूवी का भी बताया उपेंद्र सिंह जी ने कि उसमें भी चलाया गया है। उपेंद्र व्यास नाम है इनका और ये उदयपुर पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। और आपने पूरी बाइक के बारे में जानकारी ले ली और देखी इसकी किस तरह से इसको पूरी तरह से मॉडिफाई किया गया है। ABP News से विपिन सोलंकी, उदयपुर।